लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में भी करारी हार का सामना करना पड़ा, साथ ही बीजेपी फैजाबाद सीट से भी हार गई। इसी सीट में शामिल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। बीजेपी की हार से अयोध्यावासी तो दुखी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिसमें अयोध्या के लोगों पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सवाल है कि आखिर फैजाबाद की मात में अयोध्या पर क्यों लगे हैं दाग, इस रिपोर्ट में देखिए। वही अयोध्यावासी हैं जो खून समर्पित करके और अपनी सीने पर गोली खाकर भी भगवान राम के साथ खड़े थे और भारतीय संस्कृति के साथ खड़े थे। सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, यहाँ के जो संगठन के लोग थे, वो अपनी बात को उनके बीच तक पहुँचा नहीं पाए। अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी 5,500 वोटों से लीड की है और अयोध्यावासी भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। रामलहर के बाद भी फैजाबाद में बीजेपी के हारने का जितना दर्द अयोध्या के लोगों को है, उतना ही देश के राम भक्तों को भी है। बीजेपी हारी तो फैजाबाद सीट, लेकिन अयोध्यावासी उनके निशाने पर आ गए और सोशल मीडिया पर अयोध्या और वहां के लोगों के खिलाफ मुहिम चलाने लगे। और जहां भगवान श्री राम तरसते रहे अपने घर वापसी के लिए, उनका त्याग करवाया है। फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार और अयोध्यावासी निशाने पर, दर्द स्वाभाविक है। यहाँ के लोगों को भी सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बोले जाने पर दर्द हुआ और गुस्सा भी आया। ये वो लोग हैं जिनको न अयोध्या का ज्ञान है, न धर्म का ज्ञान है, न सांस्कृतिक ज्ञान है, न राष्ट्रवाद का ज्ञान है, न अयोध्या वासियों के विषय में कोई ज्ञान है। अयोध्या ने जिताया है, अयोध्या के संतों ने, यहाँ के व्यापारियों ने, सभी लोगों ने, यहाँ के नागरिकों ने वोट दिया है। अयोध्या वासियों को अयोध्या को ट्रोल करना वो निरर्थक। अयोध्या के लोगों को भला बुरा कहने वालों का वीडियो वायरल है। ये कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने दिल्ली में मनोज तिवारी के सामने चुनाव लड़ने वाले कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था। वो वीडियो भी वायरल हुआ था। अब अयोध्या के लोगों के साथ गाली गलौज करने पर पुलिस हरकत में आई और उसे हिरासत में ले लिया। तत्काल ही संज्ञान लेते हुए थाना टीला मोड़ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। त्रेता युग में रावण वध के बाद श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। यहाँ उनका राज्याभिषेक किया गया, लेकिन फैजाबाद सीट हारने के बाद श्री राम के भक्तों को गाली क्यों? भगवान राम के वंशजों को जिस तरह गाली दी जा रही है, जिस तरह सोशल मीडिया पे अपमान किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वहां से भाजपा के उम्मीदवार को हरा दिया, लल्लू सिंह हार गए, तो एक चीज साफ करना चाहता हूं मैं, हारे क्यों इस पे तो विचार करो। ट्रोल करने वालों को सच्चाई पता ही नहीं है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है। अयोध्या विधानसभा में बीजेपी को एक तरह से जीत मिली है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को 1,00,000 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 1,04,000 वोट मिले हैं, यानी 4,000 ज्यादा। इसलिए ये कहना कि अयोध्या ने बीजेपी का साथ नहीं दिया गलत होगा। फैजाबाद सीट हारने की वजह बाकी विधानसभा क्षेत्रों में कम वोट मिलना है, जिसे लोग समझने को तैयार नहीं है। नीतीश पांडे, अयोध्या, जी मीडिया।